अध्याय 14 यिर्मयाह अध्याय 14 यहोवा का वह वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा कि यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं और वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढाप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढाप लेते हैं। हरिणी मैदान में बच्चे को जन्म देकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती और जंगली गद्दे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिदड़ों की नाई हाँपते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं कि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तूने अपने नाम के निमित्त कुछ कर दे। हे इसराइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू इस देश में परदेशी की नाई क्यों रहता है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू विस्मित पुरुष और ऐसे वीर के समान क्यों होता है जो बचा न सकता हो? हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यो कहा कि इन लोगों को ऐसा भटकना अच्छा लगता है और कुमार्ग में चलने से ये नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं इनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। और यहोवा ने मुझसे कहा, भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से भावी बात की व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता लोग मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा। इस प्रकार महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे। यो मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। सो उनसे यह बात कह कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहेंगे, क्योंकि मेरे लोगों की कुवारी कन्या बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखने में क्या आएगा? यह कि तलवार के मारे हुए पड़े हैं। और यदि मैं फिर नगर के भीतर जाऊं तो देखने में क्या आएगा? यह कि भूख से अधमुए पड़े हैं और भविष्यवक्ता और याजक अनजाने देश में मारे मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या तू सियोन से घिना गया है? नहीं तो तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे ही हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते आए हैं, तो भी हमें कुछ कल्याण नहीं मिला। और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं,
तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर और अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। क्या अन्य जातियों के मूरतों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़िया लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? इसलिए हम तेरा ही आसरा देखते हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है कि यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो, यह वचन प्रचार कर और कह कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, सो यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यो कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यह जो तुम लोग कहा करते हो कि झूठी बातों पर भरोसा